पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार मोदी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब तक इस काम में उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस चक्कर में बिहार में उनके गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। हालांकि इस बात की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण हिंदुस्तान आवामी पार्टी को नहीं दिया। जीतन राम मांझी इस बात से काफी आहत थे। संतोष सुमन बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। हालांकि उनके इस्तीफे और जीतन राम मांझी के समर्थन वापस ले लेने से महागठबंधन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन के टूटने से विपक्षी एकता की मुहिम पर ही सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार अपने गठबंधन को चला नहीं पाए तो वे पूरे देश के विपक्ष को एकजुट कैसे कर पाएंगे। इस्तीफे के बाद जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने बड़ा सियासी विस्फोट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से जेडीयू में पार्टी के विलय की सलाह दी जा रही थी। इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। बिहार में लोकसभा की 5 सीटों की मांग करने वाले जीतनराम मांझी ने साफ कर दिया कि वह एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतनराम मांझी जेडीयू से अलग होकर बीजेपी को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। संतोष कुमार मांझी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की डिमांड की थी। इसके बाद जीतनराम मांझी ने कहा था कि वह बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को कहा था कि वे अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर दें। संतोष मांझी ने ये इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंपा है। सूत्र बताते हैं कि संतोष मांझी जब विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने की सलाह दी थी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी कई बार कई तरह की बातें करते हैं। जीतनराम मांझी 2015 में भी कई तरह की बातें करते कहीं और गए थे, फिर लौटकर दोबारा हमारे साथ आए। नीतीश कुमार ने ही मांझी को राजनीतिक रूप से स्थापित किया। अब मांझी उसी जमात में जाना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।